नवाज शरीफ की वापसी पर हुकूमत की चूरन बेचने की कोशिश। लीगी रहनुमा साद रफीक कहते हैं पहले भी नवाज शरीफ वापस आए लेकिन इंसाफ नहीं हुआ। कराची पैकेज वही सब्ज बाग है जो कई साल से इमरान खान ने कौम को दिखाया। सिर्फ बातों से निजाम नहीं बदल सकता। उम्मीद है एपीसी के नतायज उम्मीद अफजा होंगे। पाकिस्तानी कौम की नजरें एपीसी और उसके नतायज पर है क्योंकि ये हुकूमत पाकिस्तानियों के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन चुका है। 1100 अरब रुपए का एक पैकेज अनाउंस कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उन्हीं की हुकूमत का वो 600 और 700 अरब के दरमियान है, तो 1100 अरब किधर से आएगा? ऐलान कर दो कौन सा अमल करना है। कराची सर्कुलर रेलवे, उसका तो फेडरल बजट से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो सी पैक का प्रोजेक्ट है। सबज बाग है, इमरान खान साहब ने पहले कौम को दिखाए और अब वही सबज बाग वो कराची के लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये चूरन बिकेगा। गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, ये सब झूठ बोला जा रहा है, चूरन बेचा जा रहा है। नवाज शरीफ साहब को अपनी जान और सेहत पर पहले तवज्जो देनी चाहिए। जिंदगी होगी, सेहत होगी तो आगे पॉलिटिक्स करेंगे ना।